This program is sponsored by Orient Pest Solutions Private Limited. Pets are smart, we are smarter. Nirman Concrete, the complete concrete solution. Aminia, the taste of India. Shimla Biryani, Swad Zindagi Ka. Calcutta Leather Complex Standards Association, we care for the environment. Prince English School. ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে হজ যাত্রার আবেদনের জন্য সময়সীমা বৃদ্ধির কথা জানালেন অল ইন্ডিয়া উলেমা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শেখ গোলাম রাব্বানি। তিনি বলেন, হজ যাত্রার জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ছিল 10ই নভেম্বর, তা বেড়ে চলিত মাসের 5ই ডিসেম্বর করা হয়েছে। হজ যাত্রার জন্য হজ যাত্রীদের পাসপোর্ট তৈরিতে কোনো অসুবিধা হলে রাজ্য হজ হাউসে তৎকালীন পাসপোর্ট তৈরির ব্যবস্থাও পাওয়া যাবে। তিনি হজ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন অনলাইন আবেদন করার জন্য। যে আজমিনে হজ হ্যায় জো হজ পে জানা চাহতে হ্যায় উনসে আপ ক্যা কেনা চাহেঙ্গে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জেসা কি হাম লোগ সব জানতে হ্যায় কি হজ 2020 বহুত হি করিব আ চুকা হ্যায় অর জেসা কি পহলে ডিসাইড হুয়া থা কি 10 নভেম্বর 2019 কা লাস্ট ডেট থা অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করনে কে লিয়ে और उसको जो है चूँकि यहाँ ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही कम फिलअप हुआ है तो इसीलिए मैं तमाम बिरादरान इस्लाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो तारीख है ये तारीख बढ़ाकर 5 दिसंबर 2019 किया गया है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला रहमान जो भी अल्लाह ने हम लोगों को सैब हैसियत बनाया है तो हम लोग जाकर ऑनलाइन फॉर्म हज का 2020 का मुकम्मल 5 दिसंबर से पहले पहले हम लोग कर लें ताकि उसका इंतज़ाम करने में सब कुछ में और भी हज कमेटी को वक्त मिले। जो कोटा है हम लोग कोशिश करें कि उस कोटा को जल्द से जल्द उसको फिलअप करें ताकि आने वाले दिनों में इस कोटा को लेकर किसी तरह की दुश्वारी या परेशानी बंगाल के लोगों को हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी वेस्ट बंगाल को किसी तरह की परेशानी ना हो। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर किसी तरह की दुश्वारी आपको अगर होती है तो बराए मेहरबानी मेरे प्यारे बड़े भाई बुज़ुर्ग मेरी माँ बहनें सभी से गुजारिश है कि बैतुल हुज्जाज में जाकर आप अपना मैनुअल फॉर्म भी भर सकते हैं। किसी का अगर पासपोर्ट में बनने में दुश्वारी हो रही है टाइम लग रहा है तो वहाँ पे हमारे बैतुल हुज्जाज में जनाब हमारे हरदिल अजीज़ एमपी जनाब नदीमुल हक साहब के अपॉइंटेड लोग वहाँ हैं जो आपके तत्काल पासपोर्ट को भी आप लोग को इंशाअल्लाह ताला रहमान वहाँ तैयार कर दिया जाएगा ताकि आप लोग इत्मीनान से सुकून से जो है हज के पूरा अरकान को पूरा कर सकें। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह का परेशानी अगर आप लोग हो तो बराए मेहरबानी आप लोग 5 दिसंबर से पहले पहले हज का फॉर्म फिलअप कर लें। शुक्रिया।